टीवी के देखने वालों भाई बहनों, लड़कों बच्चों, हर एक को आदाब अर्ज हो। यह माह रमजान के महीना है, इसलिए तमाम मुस्लिम भाई बहनों को और तमाम रोजादारों को हम मुबारकबाद पेश करते हैं। माह रमजान मुबारक हो, क्योंकि ये माह रमजान के महीना है। सुरीनाम के पुलिसी, इन्हें पता है कि पारामारिबो में छोटे छोटे लड़के चार ग्रुप में है, कहीं एक चार लोग है, कहीं एक पांच लोग है, और ये भीख मांगते चलता है। ये लड़कियां तो उम्र है कहीं पर 9 साल, कहीं 7 साल, कहीं 10 साल। तो ये जितने मोटर गाड़ी जहाँ स्टॉप लेफ्ट से खड़े होते हैं, तो वहाँ पैसा मांगने लगता है चार लोग या पांच लोग मिल करके, और ये ना बालिग लड़के हैं। लेकिन ये मामला ठीक तो नहीं है। माँ बाप को देखना चाहिए कि उनके लड़के, छोटे छोटे लड़के को स्कूल जाना चाहिए, न भीख मांगना चाहिए, चाहे सुरीनाम का इकोनॉमी इतना बिगड़ गया है। लेकिन एक आदमी से लोग पैसा मांगे, चार लड़कन थे और वो आदमी कुछ ज़्यादा उम्र का था, तो वो आदमी इनकार कर दिया। बस ये चार लड़कन वो बुढ़ऊ के ऊपर टूट गया, वो मार मल बुढ़ऊ के, अब बोलबो कर तेरे बाप के पैसा है, बुढ़ऊआ के मार पीट करके और पैसा लेकर के भाग गया। अब सिपाही एंड्री नार्दन जो हो इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस है, ये मामला को कड़ी नजर से देखता है और ये बात पर लोग को चेतावनी दिया है कि बच्चों पर ख्याल किया जाएगा। पुलिसी साल बेदलार्चस बेनस्ता आन पाकन। भैया जी, अब हम देख रहे हैं कि जो भैया जी, ये जो कुछ सिपाही जो गिरफ्तार हुआ है, जो सिपाही गिरफ्तार हुए हैं, और एक मामला है कि कुछ सिपाही बाल खेलते हुए एक पार्टिकुलर के ट्रेन पर गया और वहाँ पर कुछ हंगामा हुआ, वहाँ पर गोली भी चला, तो सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और जहाँ तक पता चला है कि सुरीनाम से पुलिस बॉन्च ये एक धमकी देश है, अल्टीमेटम दिया था आज 12 बजे तक कि मिनिस्टर फॉर जस्टिसियम पुलिस और सुरीनाम का प्रेसिडेंट देसी बाउटर्स, ये 3 सिपाही जो 4 अरेस्ट में है, इन्हें रिहाई कर दिया जाए। अब इसी कारण से ये लोग ने एक आईएलएफए ने लगाया और ये आईएलएफए में ये फैसला हुआ कि इन सिपाहियों को छोड़ देना चाहिए। प्यारे लोग, रेक्टर मारी मैटनडाफ माइकल को कल 10 साल का सजा दिया है, क्योंकि ये अर्फियो फंकल उन्हें छुरी और कैंची से उनको घायल की और उनका मौत हो गया है। कोर्ट कचहरी हुआ माइकल आको यानी रेक्टर कल मारी मैटनडाफ 10 साल का सजा यानी दे दिया, क्योंकि वे एक आदमी का हत्या की है। भाइयों बहनों, मुझे पता चला है अखबार के द्वारा कि पॉलिक्लिनिकल में इस वक्त वो फक्से नहीं है जिसका नाम है पेंटाफालेंट, ये बेबी के लिए, बेबी बच्चों के लिए ये जरूरी पड़ता है। एक घर में आग लगा, और जैसे आपने शायद जानते होंगे, ये हयारी वक्त में, ये हमारे एक दोस्त श्री प्रसाद जी है, उन्हीं के मकान में वो नीचे 3 भरैता रहा और एक भरैता के घर में से आग शुरू हुआ है, और एक नाबालिग लड़का जिसका नाम जसवीर, उस लड़का का मृत्यु हो गई। जसवीर, और आप तो जानते हैं वो आग में जल करके उनका मृत्यु हो गई। और अब पता चला है कि मार्लन ओस्टरलिंग सुरीनाम से वाटर लेडिंग मास्कपेई SVM का जो डायरेक्टर है, इस लड़का के दाह संस्कार के खर्चा अदा की है। ये बहुत अच्छा बात है और ये एक अच्छा नेक काम है, इसलिए मार्लन ओस्टरलिंग को हम लोग बड़ी शुक्रिया करते हैं कि मार्लन ओस्टरलिंग इस इंसान अगर 10 गो हो सुरीनाम में, तो ये भेद भावना के बात भी इसमें खत्म हो सकता था। इसलिए मार्लन ओस्टरलिंग डायरेक्टर फॉर द सुरीनाम से वाटर मस्कपेई बकोस्टक ऑफ एक टिटल द क्रिमासी फॉर द द्रियारख जसवीर हरको, बड़ा बात है भैया, ये छोटा बात नहीं है, इसलिए मार्लन हेल हार्ट लग दंग।
आप अच्छा काम किए हैं और मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा ही काम करते रहेगा। ये भैया जी, हमारे सूरीनाम की जनता, हम तो अखबार की खबर पढ़ते हैं और अखबार के बाद आप तक पहुंचाते हैं, और पर्सनल अकादमी जिक्र है, ये लोग जो धमकी दिया था अकादमी से कहना इसके पर्सोनेल, हम बात करते हैं वो फरप्रीखन पर्सोनेल, फरप्रीखन सिस्टर्स वगैरह, ब्रदर वगैरह। खुशी की बात ये है कि पर्सोनेल अकादमी से कहना है हेव द तरह वर्कन द कराख्ट ओवर अप्रैल खेस्टर अनफांगन, ये लोग अपना पैसा, पुराना पैसा अप्रैल महीना के यानी पा चुका है। आप लोग का हम मुबारकबाद पेश करते हैं। ए भैया जी, आई एम गोइंग इस वक्त ऑन द क्रोम से मेन वो सरमक का मैं शुरुआत करने जा रहा है। देखिए, आई एम गोल का विचार है इलाका सरमक्का में गहरी जमीन से यानी विचारों से, एक नई विचार से ये अपना कारोबार शुरू करेंगे सोना की तलाश में, क्योंकि सोना की तलाश करते हुए आप तो जानते हैं कि कितनी मशक्कत ये काम कर रहे हैं सूरीनाम में, लेकिन आई एम गोल्ड ये काम अब सरमक्का में भी करने को जा रहा है, जिस तरह से अखबार ने, टाइम्स ऑफ सूरीनाम ने ये बात को जिक्र की है। एक हिजरा की बात हम करना चाहूंगा, ट्रांसजेंडर निकोलास का एक आदमी का चोरी किया है, और किसका चोरी किया है, एक आदमी जिस के पास रोजगार है, रोजगार करने वाला आदमी, एक बदरई फ्लाइजर, इनका चोरी किया है 30,000 SRD, 5,000 EUR, 2,500 AUD। तो ये कोर्ट कचहरी होने लगा, तो कोर्ट कचहरी होता है तो वहां पर सवाल उठते हैं कि आपने चोरी की है, बोला चोरी नहीं की है, और वहां पर ऑफिसर फॉर यूस्टिसी के पास सबूत है, यूस्टिसी मी रेल ऑन डेट, वो कहती है कि मेरे पास बवेश है कि ये आदमी निकोलास का यानी ये तास उस आदमी का चोरी की है, तो ये गाड़ी दे करके जा रहा है, लेकिन रेक्टर मोरिन दयाला ने कहा हम तेरे खाल निकोलास, तो निकोलास को बुला करके फिर लाया गया, और रेक्टर ने उसको समझाता है दयाला, मोरिन दयाला, तो कि शर्म न लगे है कि आप ऑफिसी फंस्टिसी मीरा लफांदे को बेइज्जती की है, आप उनसे माफी मांगिए। निकोलास बोथ सेंट फॉर ऑनस्कोल्डिंग ऑन द फॉरफोकिंग अमतनार फंडेक, ये खुशी की बात है, लेकिन ऐसे एक ऑफिसी फंस्टिसी जब ये काम करता है तो वो कानूनन तौर पर प्रोसेस प्रभाव में जो बात है वो पढ़ करके और जज के सामने पेश करता है। अनिल कुमार का कल उन्हें उपभार मिनिस्टरी 3 साल के सजा सुनाई है, क्योंकि अपने पार्टनर, अपने पत्नी के मकान 18 November 2018 मकान में आग लगा दिया। प्यारे भाइयों, आप तो जानते हैं अनिल कुमार का कई मरतबा ये धमकी दी थी अपने पार्टनर को, और कई मरतबा सिपाही के पास जाकर के नालिश की, और ये खुद उनके पास जाकर के धमकी दी कि हम आपके मकान में आग लगा देंगे, और ऐसा ही हुआ। तो जैसे आप जानते हैं रेक्टर कल अनिल कुमार को 3 साल का सजा दिया है संतो बोमा। ए भैया, अब हम आपको क्या बताना चाहूंगा, अब ये बात ऐसे बात है कि जो गाय गोरु चोरी करता है, गाय गोरु चोरी क्या किया, तो हम आपको बताएंगे कि एक आदमी, यह मामला भी आज अखबार ने बड़े बड़े अक्षरों में इसके बारे में जिक्र की है, इसलिए मैं ये बात आपके सामने अब जाना रखने को जा रहा हूं। भाइयों बहनों, बात ऐसे है कि यह आदमी जो गाय गोरु के बात है, और फिर हम आपको ये अखबार में ये बात जो लिखा, हम आपको ये बात बताना चाह रहे हैं ना, तो भैया जी हाँ, ये बात ऐसे है, आज ये अखबार में ये बात लिखा है, तो मोहम्मद ये इसका नाम है, इनके पास बैल नहीं था, स्टीरन, तो ये आदमी के पास गया डेनिस, तो कहा डेनिस देखिए आपके पास जो ये बैल है, बुल है, तो ये बुल बेहतर हमें दे दे, और हम आपको 4 बछिया दे रहे हैं, जेबू रास,
ऐसे बात हुआ है तो अपनी बड़ी खुशी होकर के मोहम्मद साहब को चार बैल दे दिया। जब चार बैल उनको मिल गया और उनको भी ले जाकर के दिखाया एक सैबान आ रही बैरफ में, देखो ये सैबाना जो है ना हमार है, जितने गाय बैल या सब हमार है। तो देखो ये बच्चा जो है 2 महीना के बाद बड़े हो जाएंगे तो 4 बच्चियां हम आपको देंगे। उसी समय से मोहम्मद जी लापता, लापता भैया, बस भैया जैनस नालिश की है। अब मोहम्मद गिरफ्तार हुई, अब पता चला उनके पास कोई सैबान नहीं, ये चोर निकल गया, उनका बैल भी ले जा करके बेच दिया। अब उनके ऊपर मुकदमा चला और रेस्टर लिडिया राफन बैरख उन्हें जो सजा दिया है ये तो आप जानते हैं, बहुत अफसोस की बात है। तो अख्त बांध सेल्स तरफ वारफन फीर फॉर वार्डलर। अब देखो आगे चल करके और क्या बात होने जा रहा है। अरे भैया जी, ए जनता, अनेक अनेक प्रकार की चीज अखबार ने लिखी है। देखो आज के अखबार में ये दाखला सूरीनाम में बात लिखा है। अरे दादा, अब ये है वो बात, केस सूरीनाम से पोस्ट पर बांध, कोरप्सी कोरप्सी, चोर चोर चोर। और ये है अखबार में, देखो फैक्ट सेंट्रल से इसी फेटक यानी एक विशेष सभा को लगाया, क्योंकि 3 लोग को यानी वहां का डायरेक्टर अलग कर दिया है, यानी नॉन एक्टिव पर काम से अलग। तो अब से ही सेफ नफेटर चाहते हैं कि उन 3 को नौकरी पर वापस रखा जाए। कुछ लोग के ऊपर इल्जाम है जो बैंक से पैसा निकाले हैं। हम शुरुआत करते हैं कुछ नाम, और नाम है द क्लिंकंड नामन। इस तरह से पहला नाम SPSB का नाम, डायरेक्टर का नाम गिन मर्दो कुरुमोसुतो एंड अनहेम खलियर इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स NV एंड न्यू फिशन इंटरनेशनल NV। अगर ये नाम लिया गया तो उनके पीछे पेई रॉबर्ट खड़ा है, वो कहते हैं कि ये हम इसका मालिक है। तो भाई बहनों, ये 2 मालिक पी रॉबर्ट अपने ऊपर लिया है। अब देखो कि ये सच्चाई क्या है। आगे चल करके हमें पता चला है कि वो तो स्टास में जलन है, देश सूरीनाम की सरकार के पैसा और क्लंटन के पैसा। तो खरूत बदराख दोस्त्रोमन ना रेकनिंग एंड फान फर्स खेलंद पॉलिटिक टॉपर्स, मतलब है कि इस बैंक से पैसा निकल करके पॉलिटिक के जो अगुआकार लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनकी रेकनिंग पर थता थत स्टोर्ट होता है। तो ये बात अखबार ने जिक्र की है और आशीष गया दिन भी जिक्र की है। भैया एक नाम जिसका नाम है द लाइन ब्रिज होल्डिंग NV, और यहां पर द गवर्नर फंड सेंट्रल बैंक के नाम लिया गया है रॉबर्ट फन ट्रेक के नाम, उनका नाम भी लिया गया है। नाम लिया गया है पार्लियामेंटारियर उस्मान वंशा बेसारी के नाम, और ऐसे ऐसे करके कितनी नाम है काका, अब हम करे तो का करे। यहां पर भी लिखा है कि एक जगह पर विशेष सभा था इंदिरा गांधी बैंक में, एक मशहूर गवैया वहां स्टेज पर आकर के और संगीत छेड़े अपना गाना गाया, और उस आदमी को पैसा जो मिला, और उस पैसा लगभग 250,000 इस आर्टिस्ट को मिला SRD। आगे चल करके बैंक डायरेक्टर कहते हैं कि क्लोकल लेडर्स के ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा। अरे क्लोकल लेडर्स मतलब ये जो गुप्ती में ये बात फैलाया है, क्लोकल लेडर्स गुप्ती में जो बात फैलाया है उन्हें लोग क्लोकल लेडर्स कहते हैं, और हम लोग बाकी पीछे पीछे कहते हैं चुगलखोर। तो अब उन पर मुकदमा चलेगा, ये जो बात फैलाया है उन पर मुकदमा चलेगा। प्यारे प्यारे लोग, आगे चल करके हम क्या देखते हैं अखबार ने क्या लिखी सर। अखबार ने लिखी सर, इंस्पेक्टर रोशनब्लाट नेम्ड लेडिंग BBS ओवर। तो ये जो योहान रोशनब्लाट है, पर 3 मई द वार्निंग जो फिल्म सी था वहां पर जा करके ये वहां के अगवाकार बन गया है, और उस जगह पर जो था पैतृक कंपनी उन्हें अलग कर दिया गया है, काफी नाराज है इस बात से वो। भैया जी, बीफे को खबर मिला पुलिसी को कि केपंग की स्ट्रात में एक पुलिसी के मोटरगाड़ी में से उनका
उनका कोखल वेरंद फेस्ट फेस्ट जिसे है वो चोरी हो गया है। ए भैया, सिपाही अपना पिस्तौल वापन कोखल फ्रे फेस्ट वगैरह रखते हैं और डाकू ने आईना फोड़ करके और ये सबने चोरी कर लेता है और ये बात सिपाही को पता है लेकिन ये गलतियां वो लोग ने बार बार करता है। भैया जी, हमारे सूरीनाम के तमाम जनता, अब हम आगे देखते हैं तो अब ये बात है कि ब्रांच ऑफ कॉम्पेंसासी जो ऑर्गेनाइजेशन को मिलना चाहिए सूरीनाम से बेसोदस ऑर्गेनाइजेशन SBO और PLO, ये दोनों कहते हैं कि 7 महीना के अक्षस्तांत है, अक्षस्तांत पर सेफ मांडन। ये बड़ी दुख की बात है, जब पैसा मिल जाते तो लोग खुशी हो जाते हैं, अचानक सुनने में आता कि इतना पैसा भी उन लोगों को मिलेगा। और आगे चल करके बेसोदर से ये इंतजार कर रही हैं एक नया तारीफ के लिए, बेस्ट तारीफ के लिए। और ये बेस्ट तारीफ ये लोग 100% के बेस्ट तारीफ पर होखें चाहता है। कब सिपाही इनों को मौका देगा हमें पता नहीं है। भैया जी, आज के अखबार जब हम उलट उलट करके पढ़ते हैं तो मैं क्या देख रहा हूं, ये अखबार में तरह तरह की चीज लिखा हुआ है। और एक बात जो हमारा विश्व प्रेसिडेंट के बारे में लिखा है, न्यू यॉर्क एम्बेसडर का वो बनुम किया है, शॉर्शेट ख्रोफा ड्वाइट प्राड सीफरन हामन एंड चेयरमैन पांसा, ये कल इंस्टॉलेट हुआ है द विश्व प्रेसिडेंट अश्विन दीन द्वारा। ये है यॉर्क एम्बेसडर्स और ये खुशी की बात है कि ये लोग को ये मौका मिला अपने तरक्की के लिए, ताकि ये लोग दिखावे दे सूरीनाम के कि ये लोग कुछ कर भी सकता है। ड्रंकन बस्टूडर फॉर ओसा ड्री आ रेडिंग, अब देख तमाशा, पियकर शोफेर दारू पी करके गाड़ी चलाता है, स्ट्रांडो फ्रेडा ड्री मई को इनका रेबवेज इंटर कर लिया गया है। लीगर पर व्यक्ति बात तेर होक्त फान मास नंबर 23 एंड दैट ये प्रोफेसर को धक्का मार दिया। ये आदमी बड़ी गड़बड़ बनता भैया, एक मकान है इस नाम से वाट लेने मास्क पे वहां जाकर धक्का मार दिया और ऐसे करके ऐसन ऐसन नुकसानी किया और अब वो प्रोफेसर इंटेंसिव केयर में काका। बड़ी दुख के ये बात है भैया, हम का बताई, ये पी पी के दारू ही उपद्रव करत है। अब देखिए, एन ऑटो प्लांट इन खोज द बस्टूड फ्रॉम टोयोटा स्पासियो, ये बीफे के शाम को एक आ रेडिंग था फर्लेंडो वेल खदाक से, और जैसे मुझे पता चला है कि ये शोफेर कहते हैं कि कंट्रोल जो था स्टील पर वो छूट गया। कहा तू सोचत रह लो भैया कि कंट्रोल छूट गए कि आप कंडाल में चल गए लो, हियर स्टॉप इन द करंट भैया कि ऑटो प्लांट इन खोज। आगे चल करके भैया जी, अब हम आपको और कुछ बताएंगे। एक खरौनिंगन का पुलिसी इतवार 5 मई को उन्हें इंफॉर्मेशन मिला, खबर मिला, 48 साल का हेंड्रिक डे वो गांजा बेचता है, गांजा ड्रग्स बेचता है। सिपाही वहां पहुंचा और हेंड्रिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। भैया जी, जनता अब हमें पता चला है कि कंट्रोल एक्टर डन का नानू बीफे को प्रसाद एन को गिरफ्तार जाने गिरफ्तार जो था 12 महीना के सजा सुनाई है। आप तो जानते हैं इस मुकदमा में अंकलाकर है बिस्तर निर्मला मैकू, ये सामने रखा कि ये आर एन एन द्वारा उस आदमी का रेब फ्रैक्चर पजड़ी उसका टूट गया है, इसलिए प्रसाद के ऊपर मुकदमा चला और ऊपर से जेफ हॉनर एंड फेफ्ट यानी उनको डर भी भरना पड़ेगा। हाइकियान से मार्ग जैसे आप जानते हैं ये ड्रम ब्रस खराक में है, बहुत से लोग वहां जाते हैं सौदा खरीदने के लिए और वो लोग ने सस्ता बेच रही है, इसलिए हमारे देखने में हाइकियान से जो मार्ग है लोग को भी वहां पर जाना चाहिए। 46 साल का धर्मानंद के एक लासर एक आदमी को ठग लिया, उनका पोर्ट मरम्मत करता पैसा ले करके डक हो गया, वो जा करके नालिश की और धर्मानंद की गिरफ्तार हुआ, खैश प्लेट के पुलिस उन्हें ले जा करके और बंद की हुई है।
नीवेर खफवांदर व्याप जो सड़क कुछ सालों से बंद था, अब वहां काम फिर शुरू हो गया है। उम्मीद है कि वहां काम जल्दी से हो जाएगा और ये काम के लिए जनता बड़ी दुख उठाता है आने जाने के लिए सड़क पर। भैया भैया बड़ा गजब की बात है कि जब मुझे पता चलता है मिनिस्टर पेंगल एंड डॉक्सोन से ऑनस्लाहन, अब तुम समाज तमाशा सुन काका, प्रेसिडेंट इसी बहुत से ही फ्रेड ऑफ द मिनिस्टर्स रेगेडियो डॉक्सोन फॉर एन हा एंड पैट्रिक पेंगल फॉर ओपनबार वर्कन रोड कार्ड फॉर लीन, मतलब कि से सैन ऑनस्लाहन। What the reason saying with the president? हम लोग को पता नहीं भैया जी, हम इतने बात कह सकते हैं कि हमारा प्रेसिडेंट डीसी बाउटर्स रेगेडियो डॉक्सोन और पैट्रिक पेंगल सैन टू मिनिस्टर्स, एक है एनहा का मिनिस्टर, एक ओपन बार वर्क का मिनिस्टर, दोनों को ऑनस्लाग दे दिया है। हमें पता है कि डॉक्सोन नाट्यूलक हिलब्रोनन वो खुद अपना ऑनस्लाग इन दिन किया था, अब ये दोनों को घर भेज दिया है। ए भैया, और अभी तक रूस बैल गोल्ड माइंस के वर्कनेमस और खानिशासी यानी कि जो तनख्वाह मिले है, जो फॉरवर्ड पर लोग काम करते शर्त, वो लोग उस पर खुशी नहीं है, और ये बात मुझे लॉयटरीट के तरफ से पता चला है। तो यही बात कह करके मैं आज आप लोगों से इजाजत चाहूँगा, अगर हो सके तो हमारे देश के बड़े बड़े लोग से मैं कहना चाहूँगा कि देखो, नजर रखो बच्चों के ऊपर, नजर रखो अपने बुजुर्ग के ऊपर, बुढ़िया बुढ़िया के ऊपर, बुढ़ों के ऊपर जो आज मुसीबत से है, बच्चों जो स्कूल जाता है और स्कूल से लापता हो जाते हैं, बच्चियां पर ध्यान करो वो क्या करती है, कहां जाते हैं, नौजवान पर ख्याल करो वो क्या करते, तमाकू खींचते है या और क्या करता है। अगर बड़ों लोग इस पर ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा देश के लड़कों के और कितने के भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। उनसे कहो और उनके लिए एक काम करो, उन्हें गलती गलती रास्ता से हटा करके सही रास्ता पर लाओ, वो हमारे बड़े बड़े लोग के लिए काम है और दूसरा काम आपके लिए नहीं है। हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, अच्छा से रहियो, प्रेम से रहियो, और देश में रहो तो गले मिला मिला करके रहो और दोस्त बन करके रहो। खुदा हाफिज, जय श्री राम।